पूजा गौर एक भारतीय टेलीविजन और फिल्मों की अभिनेत्री हैं। पूजा गौर का सबसे लोकप्रिय किरदार प्रतिज्ञा का माना जाता है। पूजा ने अपने करियर की शुरुआत 2009 से की थी। पूजा ने मन की आवाज प्रतिज्ञा, कितनी मोहब्बत है और एक नई उम्मीद रोशनी जैसे बड़े बड़े सीरियल में अभिनय किया है। पूजा गौर ने फिल्म में डेब्यू भी कर लिया है। उन्होंने 2018 में आई फिल्म केदारनाथ के साथ फिल्मों की दुनिया में अपना कदम आगे बढ़ा लिया है। पूजा गौर कलर्स टीवी के रियलिटी स्टंट शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी में भी भाग ले चुकी। पूजा गौर का जन्म 1 जून 1991 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। पूजा ने अपने स्कूल की पढ़ाई एजी स्कूल अहमदाबाद से पूरी की है और गुजरात विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। पूजा ने 2015 में किक बॉक्सिंग सीखी थी ताकि वो खुद को फिट और सुरक्षित रख सके। पूजा ने 2009 से अपने टीवी सीरियल की शुरुआत की थी और 2018 से फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था। पूजा गौर ने अपने टीवी करियर की शुरुआत 2009 में इमेजिन टीवी के सीरियल कितनी मोहब्बत है से की थी। इन्होंने सीरियल में पूर्वी का सहायक किरदार अभिनय किया था। इनके इस किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इस सीरियल के मुख्य किरदार थे करण कुंद्रा और कृतिका शर्मा। यह सीरियल इमेजिन टीवी पर जनवरी 2009 में शुरू हुआ था और खत्म नवंबर 2010 में हुआ था। इस सीरियल के बाद पूजा ने उसी साल कलर्स के शो कोई आने को है में एक बार फिर सहायक का किरदार दर्शाया था। पूजा के इस किरदार का नाम भी पूजा ही था। 2009 में पूजा गौर ने अपना मुख्य किरदार अभिनय करना शुरू किया था। 2009 में पूजा ने स्टार प्लस के सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा में मुख्य किरदार को दर्शाया था। इस सीरियल में पूजा के किरदार का नाम प्रतिज्ञा था। इस सीरियल को स्टार प्लस पर दिसंबर 2009 से अक्टूबर 2012 तक दर्शाया गया था। इस सीरियल में पूजा के साथ अरहान बयाल ने मुख्य किरदार को निभाया था। पूजा अपने इसी किरदार की वजह से रातों रात लोकप्रिय हो गई थी और इसी के साथ उन्हें कई सारे अवार्ड शोज में भी नॉमिनेट किया गया था।